वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। तेरी दया तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में, हम करे तेरी वंदना। से तुझे देखेंगे हम, पूछेंगे हम यूं ही सदा। हम करे तेरी वंदना। सब करे मिलके दुआ, तेरे रहे तेरे लिए, तेरी शरण तेरे चरण सबसे बड़े मेरे लिए। दर्शन करे तेरे तेरे वरदान से, हम करे तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करे तेरी वंदना। हम करे तेरी वंदना। हम करे तेरी वंदना। पवित्र परम प्रसन्न संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु, हम करे तेरी वंदना। हम करे तेरी अर्चना, तेरी पूजा करें प्रभु, तेरी स्तुति गाएं प्रभु, क्योंकि तूने हमें यह सुंदर समय दिया फिर से एक बार। पूरे दिन के कामों के बाद फिर से एक बार बुलाया है एक परिवार के तौर पे, कि हम एक साथ मिलकर तेरी आराधना कर सके, तेरी पूजा कर सके। क्योंकि प्रभु पूरे दिन तूने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, तूने हमें भोजन दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया और हमारे कार्यों में आशीष दी। और इस वक्त हम तेरे चरणों में आकर तुझे अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। हे प्रभु, हमारा धन्यवाद स्वीकार कर। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु।
तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम माता मरियम के साथ मिलकर प्रभु की शक्ति सामर्थ्य को प्राप्त करें। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जिसकी आद में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। महिमा के भेद। पहला भेद, प्रभु यीशु का जी उठना। इस भेद में हम हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकगण एवं धर्म संघी क्रिस्त जीवन पर आधारित सिद्धांतों की शिक्षा देते हुए अपने जीवन में इनका आचरण कर सके, साथ ही वे सभी भाई बहनों के लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और दरिद्रे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धनी तो स्त्रियों में और धनी तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धनी तो स्त्रियों में और धनी तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। ये मेरे यीशु हमारे सारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग से प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरी दया की बड़ी आवश्यकता है। दूसरा भेद, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण। हे प्रभु, सामाजिक एवं राजनीतिक नेतागण तथा सार्वजनिक अधिकारी गण अपनी स्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा लोगों की सेवा को प्राथमिकता दे और वे बुराई एवं भ्रष्टता के मार्ग छोड़ दें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हर राज्य में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। धन मरिया कृपा पूर्ण तो स्त्रियों में धन्य है, धन्य तेरे गर्भ का फल। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रण मरिया कृपा पूर्ण तो स्त्रियों में धन्य है, धन्य तेरे गर्भ का फल। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रण मरिया कृपा पूर्ण तो स्त्रियों में धन्य है, धन्य तेरे गर्भ का फल। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रण मरिया कृपा पूर्ण तो स्त्रियों में धन्य, धन्य तेरे गर्भ का फल। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रण मरिया कृपा पूर्ण तू स्त्रियों में धन्य है, धन्य तेरे गर्भ का फल। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रण मरिया कृपा पूर्ण तू स्त्रियों में धन्य है, धन्य तेरे गर्भ का फल। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रण मरिया कृपा पूर्ण तू स्त्रियों में धन्य है, धन्य तेरे गर्भ का फल। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रण मरिया कृपा पूर्ण तू स्त्रियों में धन्य है, धन्य तेरे गर्भ का फल। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रण मरिया कृपा
गुण तो स्त्रियों में धन्य है, धन्य तेरे गर्भ का फल। प्यारी मारिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रण मरिया कृपा पूर्ण तो स्त्रियों में धन्य है, धन्य तेरे गर्भ का फल। प्यारी मारिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग से प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की बड़ी आवश्यकता है। तीसरा भेद, पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतरना। हे प्रभु, विभिन्न जाति संस्कृति भाषा भाषी या सामाजिक रीति रिवाज के लोग एक दूसरे की सुने, शांति स्थापित करने के बारे में एक दूसरे से बातें करें और एक दूसरे का आदर करते हुए भाईचारे के साथ जीवन बिताएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who are most in need of your mercy. Chautha bhed, Mata Maria ka swarg mein uthaya jana. Hey Prabhu, jo log sharirik evam mansik rogo तथा इस कोरोना महामारी से ग्रसित है, विशेषकर हम प्रार्थना करें लिनेट सेक्वेरा के लिए जो कोरोना महामारी से ग्रसित है। प्रभु, आप उन्हें अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श कीजिए,
आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, जिससे कि वे सभी भाई बहन आपके नाम की महिमा स्तुति करते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है। हमारा प्रतिदिन का हर राज्य हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग प्रदान कर, विशेष कर तेरी दया की बड़ी आवश्यकता है। पांचवा भेद, स्वर्ग में माता मरिया का मुकुट पाना। हे प्रभु येसु, हम सभी मृत विश्वासियों के लिए इस भेद में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु येसु, आप उन सभी की आत्माओं को शांति प्रदान कीजिए, उनके सभी छोटी बड़ी गलती गुनाहों को पापों को क्षमा कीजिए, तथा उन्हें स्वर्ग राज में स्थान दीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधियों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से बचा, सभी आत्माओं को सुरक्षित प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें दया की बड़ी आवश्यकता है। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा, तुझे प्रणाम। हम युवा के निर्वासी संतान तुझे पुकारते हैं, हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममय, अति मधुर कुवारी मरिया। प्रभुवर हम पर दया करो, हम पर दया करो। मीस्तेश्वर हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ख्रीस्त हमें वर दो, वर दो, यह विनय पूर्ण प्रभुवर कर दो। हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे जगत्राता, हे पुत्रेश्वर, हे पावन आत्मा परमेश्वर, हे त्रित्व एक ही सुचिहीश्वर, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे मरियम ईश्वर की जननी, हे कुआरी का प्रभुवर जननी, हे स्वर्गिक करुणा की दाता, हे निर्मलतम सुचितम माता, माता विनय करो, माता विनय करो। हे माता नित्य कुवारी तुम, पावन निर्मल अविकारी तुम, प्रेमिल महिमा मई माता, शुभ सम्मति की तुम हो दाना, माता विनय करो, माता विनय करो। तुम सृजनहार की हो माता, तुम से जन में जग के त्राता, तुम सतत सचेत कुवारी हो, तुम माननीय हो, न्यारी हो, माता विनय करो, माता विनय करो। तुम
तुम महिमामय कुमारी हो, तुम परम शक्ति मय नारी हो, तुम हो दयालु अति धर्मनिष्ठ, धर्मी जन का आदर्श शिष्ट। माता विनय करो, माता विनय करो, तुम प्रज्ञा का सिंहासन हो, मानव के सुख का कारण हो, शुचि आत्मा का गृह पावन हो, तुम आदरणीय सुहावन हो। माता विनय करो, माता विनय करो, तुम भक्ति शक्ति का वासन हो, आध्यात्मिक पातल पावन हो, तुम दाऊद का हो दुर्ग सबल, हे शत्रु जहां दुर्बल निर्बल। माता विनय करो, माता विनय करो, तुम हस्तिदंत का दुर्ग प्रखर, तुम सोने का मंदिर सुंदर, तुम व्यवस्थान की पेटी हो, तुम स्वर्ग द्वार प्रभु बेटी हो। माता विनय करो, माता विनय करो, माँ तुम प्रभात का तारा हो, रोगी का स्वास्थ्य सहारा हो, तुम पापी जन की आशा हो, दुखियों का बड़ा दिलासा हो। माता विनय करो, माता विनय करो, हम सब जन की हो कल्याणी, माता तुम दूतों की रानी, हम सब के पुरखों की रानी, नबियों प्रेरित गण की रानी। माता विनय करो, माता विनय करो, तुम लहु गवा हो की रानी, तुम धर्म वीर गण की रानी, संतों कुमारियों की रानी, तुम स्वर्गोत्क्रहित हो रानी। माता विनय करो, माता विनय करो, तुम पावन माला की रानी, तुम शांति प्रेम की हो रानी, तुम हो प्रभु की प्रेम कहानी, जय हो हे महारानी। माता विनय करो, माता विनय करो, हे ईश्वर के मेष पाप हर, हे प्रभु वर दे हमें क्षमा कर, हे ईश्वर के मेष पाप हर, विनती यह दे तू पूरी कर, हे ईश्वर के मेष पाप हर, दया दया हम पर तू प्रभु कर, हे ईश्वर के माता सुंदर, हे तू हमारे तू विनती कर, स्वर्ग धाम हम पहुँचे मर कर, प्रभु के वचनों को पूरा कर। माता विनय करो, माता विनय करो,
करो माता विनय 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 करो हे हम सबके प्रभु परमेश्वर स्वास्थ्य हमें दो दे करुणा कर अपनी प्रिय माँ की विनती सुन हम सबके लौकिक दुख ले हर भौतिक सुख क्षण भंगुर नश्वर अविनाशी सुख देह ईश्वर ख्रीस्त मुक्ति दाता के द्वारा प्रभु हम तुझसे विनय रहे कर ऐसा वर दे ऐसा वर दे हे हम सबके प्रभु परमेश्वर याद कर बिंदी हे परम दयालु कुवारी माँ मरियम याद कर किया कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरे पिता की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे सहाय छोड़ गया हो हे कुवारियों की कुमारी हे मेरी माँ इसी आश्रय में तेरे पास लौटाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ हे परमेश्वर शक्ति की माँ मेरे शब्दों का स्वीकार मत कर पर दया से उनको सुन और पूरा कर आमीन The memorare, remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help or sought your intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, I fly to you. Virgin of virgins, my mother, to thee I come. Before thee I stand, sinful and sorrowful. O mother of the word incarnate, dispense my petitions, but in your mercy hear and answer me. Amen. याद कर बिनती हे परम दयालु कुवारी मरियम याद कर किया कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी दुख की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे ऐसा छोड़ गया हो हे कुवारी की कुवारी हे मेरी माँ इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ हे परमेश्वर शब्द की माँ मेरे शब्दों का स्वीकार मत कर पर दया से उनको सुन और पूरा कर आमीन Prayer to the most precious blood of Jesus. By the voice of thy blood, O Jesus, I seek thee, ask thee, and beg thee to help me at this time of my need. O Jesus, I kneel at thy bleeding feet, pleading that you will hear me. Many graces and many mercies have come from thy blood. My hope lives in you until the end of my time. O Jesus, by thy precious blood, which you shed for our souls, by each drop that you shed for our redemption, and by the tears of thy Immaculate Mother, I beseech thee and earnestly ask you to listen to my prayer. Jesus, Lord, Master, and Savior, this evening as we pray this prayer, of your most precious blood, Lord Jesus. I plead, I beseech you, and I pray, Lord, that you bless all our brothers and sisters who are attending this adoration and taking part in this novena prayer, looking up to you with hope. Lord Jesus, you who are present in the most holy sacrament of the altar, in this Eucharist,
with your real presence, Lord. Hear and answer our prayers. Lord, I ask you to bless each one of them. Bless them abundantly, Lord. Whatever their problems may be, if there are any sick persons in the family, touch them and heal them, Lord, with your precious blood. Anoint them with your precious blood. They're encountering financial problem, Lord, look into that problems. Bless them and let them regain their finances, stability, financial stability, Lord. Lord, if there are people depressed in the families, touch them and heal them, Lord. Lord, bless all children, especially those who are sick and ailing. Touch them and heal them, Lord. At this moment, I pray for Raymond and Nancy as they are sick. Touch them and heal them, Lord. I pray for the many brothers and sisters who are sick and ailing, who have requested us to pray for them. Lord, touch them and heal them. In your powerful name, I ask you, I beg you, beseech you, Lord, touch them. Anoint them with your precious blood, Lord. Fill them with your Holy Spirit. For this we pray. O Lord, who during all the days of thy mortal life, you consoled so many sufferers, you healed so many infirmities, you raised often a sinking courage, have pity on my soul who cries to thee from the depths of my anguish. O Jesus, from the wounds of thy heart, may a wave of thy merciful blood flow and grant to me the grace that I so ardently desire. O Jesus, hasten the moment when you will change my tears to joy and my sighs to thanksgiving. Holy Mary, I ask you to join with me in seeking help. But God, our Father in heaven, may your will be done. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Jesus crucified, have mercy on me. Jesus crucified, have mercy on me. Jesus crucified, have mercy on me. Hallelujah. 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 प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रतिदिन प्रभु यीशु के नाम का जाप करते हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम प्रभु का नाम लेते हैं, यीशु का नाम जपते हैं। क्यों जपते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा कारण होगा, और कारण कुछ भी नहीं, यही है कि उस यीशु नाम में मुक्ति है। यीशु नाम तारक नाम है। यीशु नाम वो है जो हमारे साथ रहता है, और यीशु नाम वो है जो हमें मुक्ति देता है, हमें शांति देता है, हमें प्रेम से भरता है, हमें आनंद से भरता है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम विश्वास करें उस यीशु के नाम में जो हमारे सम्मुख इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है। वही यीशु है जिसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। वही यीशु जिसने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। वही यीशु है जिसने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। आइए उस यीशु को अपने दिल में जगह दें, उसको बुलाएं, आमंत्रित करें, प्रभु से कहें, प्रभु अपने नाम से मुझे तृप्त कर दे, भर दे, और मेरे जीवन को यीशुमय बना दे। उसे विश्वास के साथ आइए गाएं एक ही नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
नानक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम जय जय नाम यीशु नाम यीशु नाम तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम हमारे वो साथ है कल हमारा उसके हाथ है आज हमारे वो साथ है कल हमारा उसके हाथ है आज हमारे वो साथ है कल हमारा उसके हाथ है आज हमारे तो साथ है कल हमारा उसके हाथ है नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम जो भी उसके पास आता है जो भी उसके चरणों में अपना सिर झुकाता है जो भी सजदा करता है वो यीशु नाम प्रभु यीशु उसे गले से लगाता है उसे अपनाता है अपना बनाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि मैं तेरे जीवन का रक्षक हूं मैं तेरे जीवन को बचाऊंगा मैं तेरे जीवन की सारी बीमारियों को चंगा करूंगा मैं तुझे स्पर्श कर तुझे नया बनाऊंगा क्योंकि मैं ही तेरा पालनहार हूं मैं ही तेरा तारणहार हूं मैं ही तेरा जीवन दाता तो आइए उस यीशु नाम को बुलाएं उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है अपने लहू से उसे धोता है तारणहार बन जाता है अपने लहू से उसे धोता है तारणहार बन जाता है नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम बहती नदी वो प्यासे दिल को
ओ सावन है बंजर मन को, यीशु वो बहती नदी है, वो झरना है, उस नदी की तरह जो प्यासी नदी जो तड़पती है, जो ग्रीष्म काल में सूख चाहती है और अपने आप को जल से भरना चाहती है, उस नदी का प्रभु झरना बन जाता है। वो सामान्य उस बंजर भूमि का और बंजर मन का जो हमारा जीवन कभी सूखा बन जाता है, बंजर हो जाता है, वहां कोई फल नहीं आता, और इससे प्रभु जो हमें छूता है और सब कुछ नया बना देता है। ऐसे प्रभु की हम आराधना करते हैं, ऐसे प्रभु की स्तुति करते हैं, ऐसे प्रभु की वंदना करते हैं। तो आइए दिल से उस प्रभु का नाम लें और उससे बुलाएं और विश्वास करें। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन मन को। सारे जहां में बस एक ही नाम, एक ही नाम है तारक नाम। सारे जहां में बस एक ही नाम, बस एक ही नाम तारक नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय दो वाक्यांश पांच। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। प्रभु का सुसमाचार।
हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। एक गीत है बड़ा सुंदर, उसका बोल ऐसे है, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ का दिल, माँ का दिल। यानी माँ सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है। हम सोचें कि माँ से कुछ छिपा लें घर में, लेकिन माँ कहीं से ना कहीं से उस बात का पता लगा लेती है, क्योंकि जानती है कि हमें क्या चाहिए। क्योंकि माँ ही ऐसी व्यक्ति है घर में जो गर्भधारण से लेकर के शायद भूतों के जीवन में मरने तक भी साथ रहती है। यानी माँ हर वक्त साथ रहती है और माँ हर जरूरत को महसूस कर सकती है। हम कहीं दूर भी जाते हैं तो माँ अपनी ममता भरे उस हृदय से हमारी कमियों को महसूस कर सकती है। और होता भी है कभी कभी, हमारी मम्मी भी, जब मैं कभी, मेरा तबीयत खराब होता है तो जब कभी फोन करते हैं तुरंत पूछती हैं, क्या आपका तबीयत खराब है क्या, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बड़ा बेचैन थी। मतलब माँ सब कुछ परख लेती है, जान लेती है, समझ लेती है। वही एक माँ आज कुछ लोगों से कहती है अपने पुत्र के बारे में, उस पुत्र के बारे में जो सब कुछ कर देता है, सब कुछ पूरा कर देता है। वो कहती है, वे जो कुछ तुमसे कहें तुम वही करना। आपने गोपाल दास का नाम सुना होगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो बड़ा ही एक अच्छा कहानी बोलते हैं, दैट मदर नोस एवरीथिंग। वो कहते हैं कि छोटा सा बच्चा मम्मी के पास आकर, 5 साल का बच्चा है, आकर कहता है, मम्मी आई लव यू, मम्मी मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। और मम्मी का प्रत्युत्तर होता है, बेटा आई लव यू। मतलब कि वो दोनों का बराबर उत्तर होता है। लेकिन बेटा बड़ा होता है, 16 साल का होता है, मम्मी के पास जाके बोलता है, मम्मी आई लव यू। मम्मी तुरंत बोलती है, हाँ मुझे पता है तुम्हें कितना पैसा चाहिए, बता मैं उतना दूंगी तुम्हें। मतलब कि मम्मी उसे तुरंत पूछती है और मम्मी दे देती है। फिर बेटा कुछ बड़ा होता है, 24 साल 25 साल का होता है, फिर मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी आई लव यू, हाँ मुझे पता है कहाँ की रहने वाली है, बता मैं बात करके तुम्हारी शादी करवा दूंगी। और ये भी हो जाता है। फिर बेटा और बड़ा होता है, 40 साल का उम्र में हो जाता है और जाके मम्मी से कहता है, मम्मी आई लव यू, नो मम्मी आई लव यू, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मुझे शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात को माना ही नहीं और तुमने शादी किया, देखो फिर भुक दो अभी, मैं जानता था तुम्हारे लिए वो सही नहीं है। फिर बेटा 60 साल का हो जाता है, मम्मी और बूढ़ी हो जाती है, बेटा जाके कहता है, मम्मी आई लव यू, नो मम्मी आई लव यू, हाँ मुझे पता है लेकिन मैं साइन नहीं करूंगी प्रॉपर्टी के पेपर के ऊपर, मैं जानती हूं तुमने, तुम प्रॉपर्टी के लिए यहां पे आए हो। मतलब कि हर पड़ाव में मम्मी समझ जाती है, मम्मी परख लेती है। वो गोपाल दास बड़े अच्छे तरीके से इस कहानी को रखते हैं और कहते हैं कि मदर नोस एवरीथिंग, मम्मी हर समय हमको भांप लेती है, परख लेती है और उसके अनुसार कार्य भी करती है। लेकिन माँ का एक दिल है, वो माँ ही होता है, वो दिल होता है, वो कभी भी हमें दुख में, संकट में नहीं देख सकती है, वो सब कुछ पूरा करती है। वही माँ जिसकी हम, जिसके आदर में हम माला बिनती बोलते हैं, रोज उसकी मध्यस्थता मांगते हैं, वो माँ है जो कहती है कि जो तुमसे वो कहे वो करो। क्योंकि माँ जानती है कि इस धरा के लिए, हम सबके लिए, मेरे लिए और आपके लिए एक ऐसा इंसान है जो जरूरी है, और एक ऐसा इंसान है वह यीशु है, और उसकी बातों को मानना है। और जब हम उसकी बातों को मानते हैं तभी हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, तभी हमारे जीवन में भी उस काना की विवाह की तरह चमत्कार होता है। हम माता मरियम की मदरसा तो मांगते हैं, रोजरी बोलते हैं, प्रणाम मरिया, कृपा पुण्य, संत मरिया, सब कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं, मकसद क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। रोज हम लोग ही माला विनती करते हैं। माँ हर वक्त यही चाहती है और यही प्रेरणा देती है कि हमारी हर भक्ति प्रभु की तरफ जाए। और जब हमारी हर भक्ति प्रभु को समर्पित होती है माता मरियम के द्वारा, और प्रभु यीशु हमारे जीवन में आता है, तब हमारा जीवन सफल होता है। क्योंकि माँ जानती है कि हम दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, यदि यीशु को प्राप्त नहीं कर पाए तो हमारा जीवन
असफल रहेगा, हमारा जीवन पूर्ण नहीं रहेगा। हम अपने ही अभिलाषाओं में लगे रहते हैं, अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं, सब कुछ बस मांगते ही जाते हैं, मांगते ही जाते हैं, मांगते ही जाते हैं, ये चाहिए, जीवन के पड़ाव तक, हर पड़ाव तक मांगते हैं, लेकिन माँ के उस अभिलाषाओं को नहीं समझ पाते हैं जिनकी हम रोज मध्यस्थता मांगते हैं। आज मैं माता मरियम के बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज पूरी दुनिया को, मुझे और आपको उनकी आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रभु के पास जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं, लेकिन शायद कभी कभी हम चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, लेकिन माँ के साथ अगर चलना है तो माँ के साथ हम प्रभु के पास पहुँच सकते हैं। जिस तरीके से माँ हमारे जीवन के लिए हमारी घरवाली माँ सब कुछ तैयार करती है, सब कुछ सही से करती है और सब कुछ को उसको पता रहता है और उचित ढंग पे हमें सब कुछ देती है, उसी प्रकार ये स्वर्गीय माता, ये हमारी माता चाहती है कि हम भी उचित तरीके से अपना जीवन जिए, उचित जगह पे जाएं और अपने जीवन को, लक्ष्य को पहचान कर, प्रभु की सहायता पाकर अपने जीवन में बदलाव लाएं और अपने जीवन में प्रभु की आशीष और कृपा प्राप्त करें। तो आइए आज हम मनन चिंतन करके देखें कि जो मेरी भक्ति है क्या वास्तव में प्रभु को सुग्राह्य है, जो मेरी रोज की प्रार्थना है क्या वह प्रभु के पास ले जाती है, क्या मेरी रोजरी, मेरी प्रार्थना, मेरा आराधना प्रभु से जोड़ती है या मात्र एक रीति रिवाज, एक रिचुअल बना रहता है। आइए हम अपने माँ को भी याद करें अपने घरों में कि माँ कैसे कार्य करती है, और स्वर्गीय माता मरियम की भी मध्यस्थता मांगे और कहे माँ मुझे यीशु के पास ले चल, जिससे कि मेरे जीवन में यीशु महिमा करे और उसकी महिमा निरंतर मेरे जीवन में होती रहे। आइए इस कृपा के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की मध्यस्थता मांगे और प्रभु से कहें प्रभु मेरे जीवन में चल। से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा। तुम्हारे मांगने से ज्यादा सोचने से पहले हमें आशीष मिली है, हम भटके मुसाफिर हैं लेकिन फिर भी हमारे पास एक ऐसा यीशु है जो हमारे मार्ग प्रशस्त करता है, जो हमारे जीवन को भर देता है और बिना मांगे हमें सब कुछ दे देता है, क्योंकि उसने इस धरा के लिए अपनी स्वयं माता को कुर्बान कर दिया, अर्पित कर दिया, कहा देख ये तेरी माता है, और उस दिन से वो माता हमारी बन गई और उस माता के द्वारा हम उस यीशु के पास पहुंचते, उस यीशु की कृपा के सिंहासन के पास पहुंचते। तो आइए विश्वास करें कि प्रभु ने जो उपहार दिया है वो मेरे लिए दिया है, मेरे परिवार के लिए दिया है, और वो उपहार है माता मरियम, उसके साथ चले और यीशु के पास पहुंचे। गैरों ने छोड़ा अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, गैरों ने छोड़ा अपनों ने भी ठुकराया,
वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा गैरों ने मुझे ठुकराया, अपनों ने मेरा साथ छोड़ा, वीरान सी जिंदगी, ये मेरे और आपके जीवन में अक्सर हो सकता है। हम अनुभव किए हैं, कभी कभी गैरों तो छोड़ देते ही हैं, लेकिन जब अपने ठुकराते हैं तो बहुत दर्द होता है। अंदर अंदर हम घुटने लगते हैं, आखिर में कहां जाऊं, क्या करूं। लेकिन एक जिसे हमने जाना नहीं, जिसे संसार ने ठुकरा दिया, उसने हम सबके लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि हम स्वीकार किए जाएं, हम प्रभु के बन जाएं, हमारा जीवन बदल जाए, हमारा जीवन नया बन जाए और हमारे जीवन में प्रभु की आशीष भर जाए। वो है प्रभु यीशु, जो संसार के अंत तक हमसे प्रेम करता है, और प्रेम का प्रमाण उसने कई तरीके से दिया, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और सब कुछ संवारता है। तो आइए विश्वास करें उस प्रभु खुदा पर और कहें, प्रभु तू मुझे सब कुछ देता है, इसके लिए धन्यवाद। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां में तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से, मैंने पाई है आशीष यीशु से, मैंने पाई है आशीष यीशु से। आइए हम इस वक्त प्रभु की आशीष ग्रहण करें और विश्वास करें कि जो भी हमने मांगा है प्रभु प्रदान किया है, और जो हम नहीं मांगे हैं वो प्रभु जानता है, उसे पूरा करेगा। उसे विश्वास से आइए प्रभु की आशीष ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार, इस महान
तेरी आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो उन्हीं से प्रसृत आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो इस महान संस्कार को हे परमेश्वर तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें तू जो ही गानुक जीता रहता और राज्य करता है आमीन। Most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment भगवान की करिए जय जयकार श्री यीशु भगवान की करिए जय जयकार मंगलमय शुभ नाम यह जग का मेटत मंगलमय शुभ नाम यह जग का मेटत भार श्री यीशु भगवान की करिए जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जय का पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय सुखी जय सुखी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू and keep you under his care and protection. We have received the blessings of the Lord this evening. Let us continue to praise, bless and thank him for all graces and blessings. And I pray that God will give you good night rest, good sleep during the night. And once again, early in the morning, we'll get up to thank and praise the Lord with the adoration and the Holy Mass. Thank you. Good night. God bless you.